जय हिंद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अपन ने कल प्लैटीहेलमिन थीस के जनरल कैरेक्टर्स और उसके क्लासिफिकेशन का चार्ट अपन ने कल पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि इसका क्लासिफिकेशन जो है हाइमन नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1951 में इसको दिया गया था। और इसको प्लैटीहेलमिन थीस के जो एनिमल्स होते हैं उनको फ्लैटवर्म के नाम से भी उनको जाना जाता है। कल अपन ने देखा था चार्ट में कि प्लैटीहेलमिन थीस को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास है टर्बुलेरिया, सेकंड था टीवेटोडा एंड थर्ड सेस्टोडा। तो फर्स्ट क्लास टर्बुलेरिया में देखिए, इसमें एनिमल्स जो होते हैं मोस्टली फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है। बट सम जो होते हैं एक्टोकमेंसल्स एंड एंडोकमेंसल्स और पैरासिटिक कॉल टेरिस्टल मेराइन और फ्रेश वाटर में ये एनिमल पाए जा सकते हैं। बॉडी जो होती है इनकी अनसेगमेंटेड होती है और एक सीलेटेड सेलुलर एपिडर्मिस के द्वारा ये कवर्ड होती है। इसमें म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स जो होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब इसका फर्स्ट ऑर्डर है असीलिया। असीलिया में क्या होता है, एनिमल्स जो होते हैं स्मॉल्स होते हैं और एक्सक्लूसिवली मेराइन और लेस देन 2 मिलीमीटर। इनमें वेंट्रल माउथ प्रेजेंट होता है, नो मस्कुलर फेरिंग्स और नो इंटेस्टाइन एब्सेंट होती है इसमें। एस्किटल सिस्टम जो होता है इनमें टोटली एब्सेंट होता है। नो फिल्म सेल्स, डेफिनेट गोनेड्स, गोनोडक्ट एंड योग्लैंड्स इनमें प्रेजेंट होती है। इनमें एस्किटल सिस्टम जो होता है एब्सेंट होता है, इसलिए इनमें फ्लेम सेल्स भी एब्सेंट होती है, क्योंकि फ्लेम सेल्स किससे रिलेटेड होती है, एस्क्यूटरी सिस्टम से। ओके, मोस्टली फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं, फाउंड अंडर स्टोन्स में, जैसे कोई पत्थर चट्टान या बॉटम मड होता है उसके नीचे पाए जाते हैं। एल्गी, सम लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ सी अर्चिन एंड सी कुकुम्बर, कि सी अर्चिन और सी कुकुम्बर की इंटेस्टाइन में भी पाए जा सकते हैं। सम कलर्ड और ब्राउन बाय सिम्बायोटिक एल्गी, इनका एग्जाम्पल है कॉन्विल्यूटा, इसका एग्जाम्पल है। अब सेकेंड ऑर्डर है रेबडोसीलिया। रेबडोसीलिया में एनिमल्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं, लेस देन 3 मिलीमीटर। फ्रेश वाटर लिविंग एनिमल्स होते हैं, मेराइन एंड टेरिस्टल फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इनमें सिंपल फेरिंग्स और सैक लाइक इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है, उसमें डाइवर्टिकुला जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। नर्वस सिस्टम जो होते हैं 2 मेन लॉन्गिट्यूडल ट्रंक के साथ प्रेजेंट होती है। इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रोटोनेफिडिया प्रेजेंट होते हैं, आई जो होती है यूजुअली प्रेजेंट होती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इनका कंप्राइजेस फ्यू कॉम्पैक्ट गोनेड्स, गोनोडक्ट एंड क्यूटिकुलराइज स्ट्रक्चर इंस्टेंट ऑफ पेनिस पेपिला प्रेजेंट। योग्लैंड प्रेजेंट और एब्सेंट हो सकती हैं। मेराइन, फ्रेश वाटर और टेरेस्टल एनिमल्स हो सकते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं, कॉमेंसल्स और पैरासाइटिक फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। और इसका एग्जांपल है इसमें माइक्रोस्टोमम। ओके, नेक्स्ट है ऑर्डर थर्ड एलोसीला। एलोसीला में एनिमल्स जो होते हैं मॉडरेट साइज के होते हैं, बिटवीन 1 and 10 मिलीमीटर की लेंथ के बीच में पाए जाते हैं। मोस्टली मैराइन, फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर फॉर्म में ये पाए जा सकते हैं। इनमें फेरिंग्स जो होती है सिंपल होती है, बल्बोस और पेलिकेट इंटेस्टाइन स्ट्रेट और ब्रांच्ड हो सकती है इसमें, और शॉर्ट डाइवर्टिकुला इनमें प्रेजेंट हो सकती है। एस्क्यूटरी सिस्टम जो होता है इनमें पेयर प्रोटोनेफिडिया के द्वारा बना हुआ हो सकता है, और उसमें 2 or 3 main ब्रांचेज जो होती हैं उसकी प्रेजेंट होती है, नेफ्यूडियोफोर इसके अंदर पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम जो होता है 3 or 4 पेयर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोर्ड प्रोवाइडेड विद ट्रांसवर्स कनेक्टिव। नर्वस सिस्टम में 3 or 4 पेयर लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोर्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसवर्स कनेक्टिव के द्वारा जुड़े होते हैं। इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो न्यूमरस टेस्टिस एंड ए पेयर ऑफ ओवरी, कि टेस्टिस का नंबर तो ज़्यादा होता है, ओवरी के एक पेयर में प्रेजेंट होती है। पेनिस पेपिलाइज मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। सम एनिमल्स जो होते हैं एक्टोपैरासाइट होते हैं या एक्टोकमेंसल्स इन द हैबिट, इसका एग्जांपल है इसका एग्जांपल है प्रोरोरिंकस। प्रोरिंकस इसका एग्जांपल है। ऑर्डर फोर देखिए ट्राइक्लेडिडा। ट्राइक्लेडिडा में एनिमल्स होते हैं लार्ज साइज के टर्बुलेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। इनकी लेंथ जो होती है 2 to 60 centimeter लॉन्ग ये एनिमल्स हो सकते हैं। मेराइन होते हैं, फ्रेश वाटर और टेरिस्टल फॉर्म में पाए जा सकते हैं। माउथ जो होता है मिड वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। इनमें फेरिंग्स जो होती है पेलिकेट होती है, यूजुअली डायरेक्टेड
बैकग्राउंड सॉरी बैकवर्ड इंटेस्टाइन जो होती है उसमें थ्री ब्रांचेस प्रेजेंट होती है, ईच विद मैनी डाइवर्टिकुला, और ईच ब्रांच में डाइवर्टिकुला जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। इनमें आइज जो होती है यूजुअली प्रेजेंट होती है। प्रोटोनेफ्रिडिया एज लेटरल नेटवर्क्स विद मैनी नेफ्रिडियोफोर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू और न्यूमरस टेस्टीज, ए पेनिस पैपिला इनमें प्रेजेंट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरी विद योग ग्लैंड्स एंड ए कॉपुलेटरी बर्सा। सिंगल गोनोपोर प्रेजेंट होता है और इसका एग्जाम्पल है ड्यूटेसिया। अब देखिए ऑर्डर फिफ्थ है पॉलीक्लेडिडा। पॉलीक्लेडिडा में एनिमल्स जो होते हैं साइज मॉडरेट साइज के एनिमल्स होते हैं। इनमें 2 to 20 millimeter इनकी लेंथ हो सकती है। मैराइन एनिमल्स होते हैं। मैनी जो होते हैं बॉटम ड्वेलर्स और लिटोरल जोन्स में ये एनिमल्स जो होते हैं पाए जाते हैं। इनमें पेलिकेट फेरिंग्स इंटेस्टाइन हाईली ब्रांच्ड होती है इनकी, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास टर्बुलेरियम को 5 orders में डिवाइड किया गया। अब सेकेंड क्लास है ट्रीमेटोडा। ट्रीमेटोडा में एनिमल्स में क्या होता है हैविंग पोर्स कि उनमें बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं। एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट हो सकते हैं ये एनिमल्स। बॉडी जो होती है इनकी अनसेगमेंटेड होती है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, लीफ लाइक हो सकते हैं। इनमें टेग्यूमेंट जो होती है थिक होती है बट विदाउट सीलिया एंड रेपडाइट्स कि इसमें सीलिया जो होते हैं नहीं पाए जाते हैं। बॉडी जो होती है अनडिवाइडेड होती है एंड कवर्ड विद क्यूटिकल के द्वारा वो कवर्ड होती है। इनमें सकर्स एंड समटाइम्स हुक्स जो होते हैं इनके अंदर पाए जाते हैं। इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है इनकम्प्लीट होता है। कंसिस्ट ऑफ द एंटीरियर माउथ सिंपल फेरिंग्स एंड टू फॉग ऑफ मैनी ब्रांचेस। इंटेस्टाइन जो होती है इनके अंदर प्रेजेंट होती है, एनस इनके अंदर एबसेंट होती है। इनमें 3 pairs ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोर्ड होती हैं। इनमें प्रोटोनेफ्रिडियल एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्टेंस ऑफ फ्लेम सेल्स जो होती हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में पाई जाती है। मोस्टली हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं ये। इनमें सिंगल ओवरी प्रेजेंट होती है, 2 to 2 many टेस्टीज प्रेजेंट होती है। इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, डेवलपमेंट डायरेक्ट मीन्स लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है इनके अंदर। एक्टोपैरासाइट में डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है और अगर एंडोपैरासाइट है तो उसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का पाया जाता है विथ ऑल्टरनेशन ऑफ होस्ट कि ये होस्ट में अपनी लाइफ जो है साइकिल कंप्लीट करते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर है इसका, देखो इसको 2 orders में इसको ट्रीमेटोडा को 2 orders में डिवाइड किया था। फर्स्ट ऑर्डर है मोनोजीनिया और सेकेंड ऑर्डर था डाइजीनिया। फर्स्ट ऑर्डर है मोनोजीनिया। मोनोजीनिया में एनिमल्स होते हैं मोस्टली एक्टोपैरासाइट होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एक्वेटिक वर्टिब्रेट होते हैं ये। इनमें ओरल सकर्स इधर वीक और एब्सेंट हो सकते हैं। इनमें एंटीरियर एंड प्रोवाइडेड विथ ए पेयर ऑफ एडहेसिव स्ट्रक्चर जो होता है इनके अंदर पाया जाता है। इनमें पोस्टीरियर एंड जो प्रोवाइडेड विथ एन एडहेसिव डिस्क यूजुअली विथ हुक्स के। इनमें एडहेसिव डिस्क जो होती है उसमें हुक्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें एक्सक्रीटरी पोर्स पेयर्ड सिचुएटेड एंटीरियरली ऑन द डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होते हैं। मेल एंड फीमेल गोनोपोर यूजुअली सेपरेट होते हैं इनके अंदर। वेजाइना जो होती है फीमेल में 1 or 2 हो सकती हैं। यूट्रस स्मॉल होता है, उसमें फ्यू शेल एग्स जो होते हैं उसके अंदर होते हैं। ओनली 1 host इन द लाइफ साइकिल कि अपनी लाइफ जो होती है वो सिंगल होस्ट में कंप्लीट करते हैं। फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा होते हैं इसके अंदर और इसका एग्जाम्पल है डिप्लोजोन या पॉलीस्टोमा। नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर है डाइजीनिया। डाइजीनिया में एनिमल्स जो होते हैं एंडोपैरासाइट्स होते हैं वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में। इनमें 2 suckers विदाउट हुक्स प्रेजेंट होते हैं। ओरल सकर अराउंड द माउथ प्रेजेंट होता है। ओरल सकर माउथ के चारों होता है और वेंट्रल सकर जो होता है या एसिटाबुलम इसके अंदर पाया जाता है। इनमें सिंगल पोस्टीरियर एक्सक्रीटरी पोर होते हैं। इनमें वेजाइना जो होती है एब्सेंट होती है फीमेल में। यूट्रस जो होता है यूजुअली लॉन्ग विथ मैनी शेल्ड एग्स होता है। द लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड इन्वॉल्विंग मैनी लार्वल स्टेजेस। इनकी लाइफ साइकिल में कई लार्वल स्टेजेस जो होती हैं पाई जाती हैं। 1 to 2 more इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल। इनकी लाइफ साइकिल जो है ये 1 से ज़्यादा कई होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल जो है इंटरमीडिएट होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। इनमें लार्वल फॉर्म जो होती है रिप्रोड्यूस एसेक्शुअली बिफोर मेटामॉर्फोसिस और इसका एग्जाम्पल है फेसियोला इसका एग्जाम्पल है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।